वो तन्हा कौन है? अल्लाह हू अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाह हू अल्लाह। मेहरबान वो कौन है? अल्लाह हू अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाह हू अल्लाह। उसके सब निशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी शलजम गोश्त। शलजम गोश्त किस तरह किस तरीके से बनेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को कोई पार्ट स्किप मत करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी मैंने शलजम आधा किलो लिए हैं, इनके मैंने छिलके उतार कर अच्छी तरह धो के साफ कर लिया है। जी मैंने बड़ा गोश्त 3 पाव लिया है, इसको मैंने धो लिया है। प्याज 1 अदर, टमाटर 2 अदर, टमाटरों को आपने इसी स्लाइस में काटना है जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया है। कोरमा मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये धनिया की टहनियाँ हैं और ये धनिया की पत्तियाँ हैं। जो टहनियाँ हैं वो पकाने के दौरान मैं इस्तेमाल करूँगी, और ये गार्निश के लिए हैं। अब सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं गोश्त शामिल करूँगी, गोश्त को बॉयल करूँगी। अब मैं 1 लीटर पानी शामिल करूँगी। अब मैं हल्दी पाउडर को पानी में घोल के शामिल करूंगी। प्रेशर कुकर को कवर करके मैं इसे बॉईल करूंगी। अब सबसे पहले पतीले में मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं प्याज शामिल करूंगी। और प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं टमाटर शामिल करूंगी। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है, अब इसे मिक्स करना है। अब मैं तमाम मसालों को घोल के शामिल करूंगी, कौरमा मसाला। अब मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया है, मसाला भून चुका है। अब मैं गोश्त शामिल करूंगी। अब मैं गोश्त शामिल करूंगी। ये मैंने गोश्त शामिल कर दिया है। अब मैं धनिया की टहनियाँ शामिल करूंगी। अब मैं शलजम शामिल करूंगी। ये मैंने शलजम शामिल कर दिए हैं। शलजम और गोश्त भून चुके हैं, अब जो गोश्त को बॉईल किया था वो पानी शामिल करूंगी। अब मैं इसे जीरे से गार्निश करूंगी, सफ़ेद जीरे से। अब हमारा शलजम गोश्त तैयार हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करके आपको दिखाऊंगी। इस तरह से हमारी शलजम गोश्त की रेसिपी तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आखिर में जब वीडियो है उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। वो तन्हा कौन है? अल्लाह हू अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाह हू अल्लाह। मेहरबान वो कौन है? अल्लाह हू अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाह हू अल्लाह। उसके सब निशान।